लोग सोचिए कि क्या होगा अगर इतना सारा सप्लीमेंट्स आप इंटेक करते हो दिन भर में, ये सब सप्लीमेंट्स आप इंटेक करते हो दिन भर में, तो क्या हालत हो सकता है आपका, क्या क्या बीमारी हो सकता है। मतलब जान के आप लोग हैरान हो जाओगे कि हम लोग सप्लीमेंट्स तो लेते हैं बट विदाउट नॉलेज जब ले लेते तो क्या बीमारी हो सकता है। तो आज का वीडियो इसके रिगार्डिंग ही है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है बहुत स्पेशल है और बहुत नॉलेजेबल है आप लोगों के लिए, बहुत हेल्प होगा आप लोगों को जो लोग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि मेरे चैनल पर बहुत सारे सप्लीमेंट्स का मैं रिव्यू देता हूँ, सप्लीमेंट्स यूज़ करने के लिए बोलता हूँ आप लोगों को। तो ये जो सारा वीडियो होता है ये सारा नॉन पेड वीडियो, मतलब इसमें कोई प्रमोशन नहीं रहता है, मतलब कोई पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। मैं खुद यूज़ करता हूँ और उसके बारे में मैं रिव्यू आप लोगों को देता हूँ। अभी ऐसा बहुत चैनल है जो पेड है, जो प्रमोशन के लिए सप्लीमेंट्स को का जो रिव्यू है वो डालते हैं, आप लोगों को यूज़ करने के लिए बोलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इतना सारा वीडियो में गुमराह होकर बहुत सारे सप्लीमेंट जो है हम लोग यूज़ कर लेते हैं। मैं भी खुद यूज़ किया हूँ बहुत सारा सप्लीमेंट, बहुत यूट्यूबर का वीडियो देख के मैंने भी यूज़ किया, ऐसा नहीं कि कभी यूज़ नहीं किया। बट उनमें से कौन सा सप्लीमेंट मुझे चाहिए और मुझे नहीं चाहिए वो आपको भी पता होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है ये वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि ये जो सप्लीमेंट्स हम लोग बिना कोई जानकारी के ले लेते हैं, ये जो सप्लीमेंट्स जो हम लोग डॉक्टर के बिना, डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना हम लोग ले लेते हैं, उसका जिम्मेदारी पूरा आपके ऊपर जाता है, पूरा मेरे ऊपर आता है। जब मैं लेता हूँ खुद के लिए तो वो पूरा मेरे ऊपर आता है, और आप अगर ले रहे हो तो वो आपके ऊपर जाता है। इसके लिए किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, सब अपना काम कर रहे हैं, सब जो पेड प्रमोशन कर रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, और मैं जो अवेयरनेस आप लोग को दे रहा हूँ इसमें भी मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ आपको करना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट्स आपको लेना चाहिए, आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि मैं बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ जिसका वीडियो मैं डालता हूँ मेरे चैनल पे। अभी ये सप्लीमेंट्स लेने के बाद अंदर में मेरा जो ऑर्गेन्स है उनमें क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उसके बारे में ये वीडियो है। और आज मैं शेयर करूँगा आप लोगों से मेरा लैब टेस्ट रिपोर्ट। मैंने आफ्टर 6 मंथ्स मैंने ये लैब रिपोर्ट, मेरा जो इंटरनल ऑर्गेन्स का क्या हालत है इतना सप्लीमेंट्स यूज़ करने के बाद, आप लोग शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो डिटेल्स है इनमें से बहुत सारा डिटेल्स मैं, मेरा जो डॉक्टर है जिससे कंसल्ट करके मैं सुन के वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा जो मेजरली आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। तो इनमें अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैं गलत बोलता हूँ, अगर कोई कुछ भी आपको लगता है कि ये जो रिपोर्ट में कुछ है चीज़ वो अलग बोल रहा है जो आपको ज़्यादा पता हो सकता है, आपको ज़्यादा नॉलेज हो सकता है उसके रिगार्डिंग, तो माफ़ कर दीजिएगा, पहले ही मैं सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर ने जो बोला उसके ऊपर बेस करके मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो ट्रस्ट मी, सप्लीमेंट्स यूज़ करने से पहले आपको ये सारा चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जो चीज़ आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, और आपका बॉडी चेकअप आपको करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। आप सप्लीमेंट जब ले रहे हो, लेने के बाद और लेने से पहले आपका बॉडी चेकअप करना ही पड़ेगा। कुछ सिम्टम है जो आपको जानना पड़ेगा कि आपको वो सप्लीमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए बात करते हैं और देख लेते मेरा लैब टेस्ट रिपोर्ट। तो क्या क्या मैंने टेस्ट किया था, मैंने टेस्ट किया था आपका लीवर टेस्ट किया था, मेरा किडनी टेस्ट किया था, मेरा टेस्टोस्टेरोन जो है उसको टेस्ट किया था, ब्लड रिपोर्ट जो है वो 3-4 महीने पहले मैंने ऑलरेडी किए थे जिसके लिए मैंने इस बार नहीं किया। तो मेजरली जो चीज़ हम लोग को जानना चाहिए उसके ऊपर बेस करके ही मैंने ये तीनों चीज़ों को मैंने टेस्ट किया। तो क्या रिजल्ट आया वो देख लीजिए, वो शॉकिंग है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जिम में जाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए कोई भी सप्लीमेंट्स उठा लेते हैं मार्केट से और डाल देते हैं, बट हम लोग को पता नहीं कि अंदर में क्या चल रहा है, अंदर में क्या इफेक्ट आ रहा है, अंदर में क्या नेगेटिव चीज़ बन रहा है जिससे आपको बहुत ज़ोरदार बीमारी हो सकता है, मतलब कैंसर तक भी हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, लैब रिपोर्ट मैं जो दिखाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। और एक चीज़, मैं ये लैब रिपोर्ट के साथ साथ मैं ये भी आपको बोलूँगा कि सल्यूशन क्या है, कैसे आप चीज़ को कम कर सकते हो, कैसे आप कंट्रोल।
सो गाइस, यहाँ पे मेरा जो लैब रिपोर्ट है वो फार्म इजी लैब से मैंने किया, जो मेडलाइफ से अभी टाई अप कर लिया है। तो फर्स्ट जो रिपोर्ट है वो है मेरा किडनी का रिपोर्ट, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि नाम देख पा रहे हो अभिजीत रॉय, एज फेज सब मेरा ही है, डेट भी रिसेंट डेट है, आप लोग देख पा रहे हो 27 सितंबर मैंने टेस्ट किया था। तो पहले आ जाते हैं मेरा जो किडनी का जो है, आप देखिए जो 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 आपका डिटेल्स में थोड़ा बोल्ड करके नंबर दिया हुआ है, जैसे कि यूरिक एसिड में बोल्ड है, तो मतलब ये नॉर्मल से ज़्यादा या फिर कम, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार डिटेल में दिखाता हूँ। जैसे कि यूरिया नॉर्मल है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नॉर्मल है, क्रिएटिनिन देखिए नॉर्मल है, यूरिया क्रिएटिनिन रेशियो 38.89 वो भी नॉर्मल है, बर्न क्रिएटिन रेशियो 18.14 वो भी रेशियो आपका ठीक ठाक है। यूरिक एसिड में देखिए, यूरिक एसिड नॉर्मली होना चाहिए, राइट साइड में देखिए बायो रेफरेंस इंटरवल करके एक जगह है, उसके नीचे दिया हुआ है 3.5 to 8.5, जहाँ पे मेरा 0.20 कम है, इसके लिए 3.30 आया है। तो मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि ये ठीक है, यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। और क्रिएटिन ये मैं कम ही लेता हूँ, रेड मीट में कम खाता हूँ। तो बैलेंस डाइट होने के लिए मेरा मानना है कि मेरा यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम है वो अभी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरा डॉक्टर भी मुझे बोला है कि हाँ ये ठीक है, आप थोड़ा सा मीट, रेड मीट थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ कीजिए, मतलब महीने में एक दो बार खाइए, तो क्या होगा कि आपकी यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल में आ जाएगा। सोडियम जो है 144 है नॉर्मल, क्लोराइड भी आपका ठीक है, कैल्शियम भी आपका ठीक है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इन्फॉर्मेशन, जो सब जब टेस्ट होता है किडनी का उसमें ये इन्फॉर्मेशन ही आपका लिखा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो रिपोर्ट है जो है लीवर, ये मेन रिपोर्ट था जो मुझे देखना था कि मेरा क्या हालत है। तो ये अभी आप इसमें रिपोर्ट में देखिए, बिलीरुबिन जो है वो नॉर्मल है ऊपर, बिलीरुबिन डायरेक्ट जो है वो आपका यहाँ पे 0.06 ज़्यादा दिखा रहा है, जो मेरे हिसाब से डॉक्टर के हिसाब से ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम उनमें नहीं है, ये नॉर्मल हो जाएगा अगर बाकी सारा चीज़ का मैं ख्याल रखता हूँ। तो बाकी जो है प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे जो आया है SGOT, उसमें देखिए 107 नॉर्मल, क्या क्या मतलब है 17.59, बट मेरा SGOT आया है 107, बहुत ज़्यादा है। उसके नीचे SGPT बिलो 50, और यहाँ पे देखिए क्या आया है 172। अभी ये देख के आपको डर लगेगा कि आपका नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, ये डर लग सकता है आपको, बट आपको चेक करना है। नीचे देखिए AST ALT रेशियो जो यहाँ पे दिया हुआ है जो 0.62, अगर ये 1 या फिर 1 को क्रॉस करते, देखिए यहाँ पे लिखा है रेशियो अप टू 1.3, अगर ये रेशियो 0.62 के जगह पे 1 या फिर 1 से ज़्यादा होते तो मेरा लीवर में ख़राब हो चुका है, मेरा लीवर वो इंडिकेट करता है, ठीक है। ये मेरा जो डॉक्टर है एज पर डॉक्टर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये गलत भी हो सकता है ठीक भी हो सकता है, बट मैं सोच के चल रहा हूँ कि ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरा SGPT जो है वो ज़्यादा है, इसको मुझे कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर साफ आप नीचे देखते हो कि क्यों कम मतलब ज़्यादा है, जनरल इन्फॉर्मेशन में देखिए हाई कॉफ़ी कंजम्पशन एंड हैवी स्मोकिंग, तो हाई कॉफ़ी कंजम्पशन मेरा होता है ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट स्मोकिंग मैं नहीं करता हूँ, तो इसमें कोई ये नहीं है। विथ लो प्रोटीन एंड एल्यूमिनियम लेवल हाई कॉफ़ी कंजम्पशन लोअर AST लेवल, देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि स्मोकिंग अल्कोहल ड्रिंकिंग आपका हाई कॉफ़ी कंजम्पशन के लिए आपका ये रेशियो जो है मतलब ये जो रिपोर्ट है ये ज़्यादा आया है SGOT SGPT, बिकॉज स्मोकिंग, जनरल इन्फॉर्मेशन में देखिए बिकॉज स्मोकिंग कॉफ़ी एंड अल्कोहल ड्रिंकिंग हैबिट्स शो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन अमंग ईच अदर, तो बोल रहे हैं कि ये जो कॉफ़ी ये जो हम लोग लेते हैं ये लीवर में जाके जो स्ट्रॉन्ग आपका एक कनेक्शन बन रहा है, ये जो स्ट्रॉन्ग जो चीज़ जो स्ट्रॉन्ग है ये आपका जो इफेक्ट दे रहा है आपको अंदर से फील कराता है, क्या कॉफ़ी पीने से क्या होता है कि आपको अंदर से लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपका फोकस आ जाता है, बट वो लीवर में जाके प्रेशर क्रिएट करते, जिसके लिए मेरा लीवर रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा आया है। तो मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ये SGOT SGPT इसको कम करने के लिए एकमात्र उपाय है आपका प्री वर्कआउट और आपका कैफीन इंटेक को एकदम बंद कर दीजिए 10 से 20 दिन के लिए। आपका ये नॉर्मल में आ जाएगा। अभी भी मेरा आप देख पा रहे हो कि अभी भी मेरा नॉर्मल है, ठीक ठाक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है 0.62। बट ये अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, मतलब 0.62 से अगर ये 70-80 तक चले जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है लीवर में। मुझे जॉन्डिस, मुझे लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस जैसे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो जो प्री वर्कआउट यूज़ कर रहे हो। नीचे देखिए प्रोटीन में देखिए 8.50, जो नॉर्मल से 0.30 ज़्यादा है। और ये नॉर्मल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रोटीन इंटेक जो है वो सीरियसली ज़्यादा है। तो 8.50 ये ठीक है, ये ठीक रिपोर्ट ही ये लोग मेंशन किया है। इसके बाद देखिए एल्बुमिन, उसके बाद ग्लोबुलिन, उसके बाद एजी रेशियो 1.24, जहाँ पे 0.8 से 2 तक रहना चाहिए, तो उनके बीच में ही है। तो मेरा ये चीज़ भी, दोनों का एजी रेशियो भी मेरा नॉर्मल है, तो इसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो लीवर का ये चीज़ को देख के SGOT ये मुझे थोड़ा डरने वाला लगा और मैंने कैफीन को इमिडिएटली स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट चले आते हैं मेरा टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। जो टेस्टोस्टेरोन का जो टोटल जो ये आया है रेशियो, आप देखिए 6.13 रिजल्ट आया है और नॉर्मल क्या है 4.56, 28.2, इसके बीच में ही मेरा है 6.13, जो मिनिमम से ज़्यादा है। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरा जो रिपोर्ट है। अगर ये 28.2 से ज़्यादा होते, मतलब ये इससे भी ज़्यादा होते, तो आपको क्लियरली पता चलते कि मैं स्टेरॉयड ले रहा हूँ या फिर अलग से कुछ चीज़ अंदर में मैं डाल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से वो सही है, मैं अभी भी नेचुरल हूँ। आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो में कि मैं नेचुरली करता हूँ। 13 ईयर्स हो गया मेरा जो जिम बॉडी बिल्डिंग का जो करियर है इसको मैं फॉलो करते हुए, और ये मैं पैशन के लिए करता हूँ, मैं स्टेज परफॉर्म के लिए नहीं करता हूँ, जिसके लिए मुझे नहीं चाहिए स्टेरॉयड। मैं नॉर्मली 13 ईयर्स में अगर ऐसा बॉडी बना सकता हूँ और 10 साल मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ बॉडी के ऊपर, तो आप सोचिए कि क्या बॉडी बन सकता है। तो आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, धीरे धीरे आपका बॉडी मसल सब मैच्योर होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा रिपोर्ट, आप लोग देख पा रहे हो। ये दिखाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया और आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जो अवेयरनेस है वो बने रहे और आप लोग को पता चले कि आप लोग जो प्री वर्कआउट ले रहे हो, आप लोग जो कैफीन इंटेक कर रहे हो, आप लोग बाहर से जो सप्लीमेंट्स ले रहे हो, उसका क्या इफेक्ट आ सकता है आपके लीवर के ऊपर, उसका भयंकर इफेक्ट आ सकता है। तो प्री वर्कआउट ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। अगर कैफीन बेस्ड प्री वर्कआउट है उसको उतना भी आप यूज़ मत कीजिए, ट्राई कीजिए कैफीन के बिना जो प्री वर्कआउट होता है, जो वेगन प्री वर्कआउट होता है वो यूज़ कीजिए, उसमें भी आपको अच्छा खासा रिजल्ट। और प्री वर्कआउट छोड़ के भी अगर नेचुरली नॉर्मली आप करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। प्री वर्कआउट का ज़रूरत सबके लिए नहीं है, एटलीस्ट एज 28-29 तक प्री वर्कआउट नहीं चाहिए, वो आप नेचुरली कर सकते हो क्योंकि आपके बॉडी में उतना पावर तो रहता है। उसके बाद जब एज होता है, हाँ धीरे धीरे आपका पावर, आपका हार्मोन का लेवल वो सब कुछ कम होता है, तब आपको लेना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए आपका खुद का, घर का भी ध्यान रखिए, और सही से न्यूट्रिशन लीजिए, सही से सप्लीमेंटेशन कीजिए, मेडिकेशन जो भी कर रहे हो वो भी सप्लीमेंट वो भी सही से कीजिए। और आपका लैब टेस्ट रिपोर्ट 6 महीने में एक बार एटलीस्ट आपको करना चाहिए, नहीं तो क्या बीमारी है, क्या अंदर में घुटन सी हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। बाद में एक दिन क्या होगा कि आप भी गुजर जाओगे, आपका फैमिली के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा कि क्यों ध्यान नहीं रखा, क्या क्या ले रहा था, क्या कुछ नहीं पता है, ये सब क्वेश्चन आ जाएगा। ये नॉर्मल है, ये आता है, तो सीरियस हो जाइए। बॉडी बिल्डिंग जस्ट हम लोग अभी फिटनेस को एक कैजुअलिटी में ले लिया, कुछ भी डाल रहे हैं अंदर, जो वीडियो देख रहा है वो ही डाल रहा है, तो सीरियसली लीजिए और सीरियसली कीजिए चीज़ को।